हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वेदांता 100 बेड का अत्याधुनिक फील्ड अस्पताल बनाने में जुटी। वेदांता कोविड की दूसरी लहर के खिलाफ लड़ाई में राजस्थान सरकार की मदद में बाड़मेर में अत्याधुनिक फील्ड अस्पताल बनेगा। फील्ड अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ 100 बेड होंगे। कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि होने के बाद भारत की तेल और गैस कंपनी वेदांता लिमिटेड राज्य में कोविड रोगियों को प्राथमिकता पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के अपने प्रयासों में राज्य सरकार के समर्थन में मजबूती से सामने आई है। इसके तहत बाड़मेर जिला मुख्यालय पर 100 बेड का अत्याधुनिक फील्ड अस्पताल स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर वेदांता 1000 गहन देखभाल बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता निर्मित करने की अपनी प्रमुख पहल पर काम कर रहा है। इसे देश भर के 100 शहरों में फील्ड अस्पतालों में रखा जाएगा। कंपनी ने कोविड-19 की तेजी से फैल रही दूसरी लहर के खिलाफ अपनी लड़ाई में देश की मदद के लिए 150 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। ये रकम 201 करोड़ रुपए की उस रकम के अलावा है जो पिछले साल वेदांता समूह की ओर से खर्च किया गया था। वेदांता केयर एंड कोविड-19 के रोगियों के इलाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए बाड़मेर में 100 बेड का एक अत्याधुनिक अस्पताल स्थापित कर रहा है। फील्ड अस्पताल को पूर्ण विद्युत समर्थन के साथ वातानुकूलित टेंट में रखा जाएगा। इसे विशेष रूप से कोविड रोगियों की देखभाल के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इन महत्वपूर्ण देखभाल सुविधाओं में 90 बिस्तर ऑक्सीजन सपोर्ट से लैस होंगे, जबकि बाकी में वेंटिलेटर सपोर्ट होगा। किरण ने हाल ही में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक गर्ल्स कॉलेज को 100 बिस्तरों के कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया है। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर और जिला अस्पताल में सभी रोगियों को दिन में 3 बार पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। किरण ने अपने 13 टैंकर और 50 ऑक्सीजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि समय अनुकूल जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा रिफिलिंग के लिए ऑक्सीजन सिलेंडरों का परिवहन भी नियमित रूप से किया जा रहा है। कैन के प्रयासों के बारे में वेदांता लिमिटेड के कैन ऑयल एंड गैस के डिप्टी CEO प्रचुर शाह ने बताया कि हम राजस्थान में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जिला और राज्य प्रशासन का सक्रिय रूप से समर्थन कर रहे हैं। अभी तक हमने पूरे राज्य में तरल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए ऑक्सीजन टैंकर उपलब्ध कराए हैं और 5000 VTM किट की आपूर्ति की है। जिले में अधिक बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए हमारी टीमें 2400 घंटे काम कर रही हैं। हम अपने समुदायों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इस महामारी से लड़ने के लिए एकजुट हैं। राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने महिला महाविद्यालय बाड़मेर में कोविड केयर सेंटर के अलावा 100 बेड के अस्थायी अस्पताल का कार्य आरंभ करने के लिए साधुवाद जताया है। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक कोविड के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वेदांता केयर ऑयल एंड गैस के सहयोग से बाड़मेर की महिला महाविद्यालय के पास कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का काम लगभग अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने केयर अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन कोविड केंद्र का दौरा कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।